दोस्तों डीजी के एचक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसकी बेसिक चीज़ें होती हैं, जिसको अक्सर हमारे डीजी ऑपरेटर या इलेक्ट्रिशियन नहीं जानते हैं, जबकि वो खासकर इन ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों आज इसको बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताऊंगा कि एचक की हमारी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बने रहिएगा, इंजीनियरिंग पंडित में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बात करें तो लूब ऑयल की, आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये लूब ऑयल हमारा यहाँ पे इस तरीके से होता है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। और लूब ऑयल में क्या देखना होता है दोस्तों, इसका ऑलरेडी इसमें पैरामीटर होता है, देखिए एच का सिंबल बना दोस्तों, यानी कि एच और यहाँ नीचे लो होता है, इसके बीच में होना चाहिए लूब ऑयल। अगर इससे कम हो रहा है दोस्तों तो यहाँ से हम लोग कैप ओपन करके इसको इस तरीके से, ये जो कैप है दोस्तों यहाँ से उसको ओपन करेंगे और लूब ऑयल को हम लोग फिल कर देंगे। अगला दोस्तों जो हमारा ए चेक का मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा कूलेंट लेवल। आपको जरूर ये चेक करना चाहिए कि हमारे लूब ऑयल, हमारा कूलेंट लूब ऑयल का नाम, हमारा कूलेंट भी कितना होता है। कूलेंट भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि इंजन को हमारा ठंडा बनाए रखता है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर हम लोग एक चेक कर रहे हैं तो उसकी डीजल कंडीशन भी देख लेते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन हमारा दिख रहा है, अगर ये ग्रीन पे जो एरो दिख रहा है दोस्तों, ये एरो अगर ग्रीन पे है मतलब डीजल हमारा फुल है। जैसे ये ग्रीन से नीचे जाता है इसको हम लोग इसका डील फिल कर देते हैं। अगला जो हमारा एचक का मुख्य पॉइंट होता है दोस्तों, ये बैटरी होती है दोस्तों। बैटरी क्या होता है, इसमें हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, एक तो बैटरी इसका वोल्टेज देखते हैं और दूसरा इसकी ग्रेविटी देखते हैं। वोल्टेज मतलब इसका कितना होना चाहिए, दो वोल्टें हमारी हैं, जैसे कि अगर 12-12 वोल्ट की दो बैटरियाँ हैं तो 24 वोल्ट होना चाहिए। और जब हम लोग इसको चार्ज कर देंगे तो ये जनरली जो होता है 26-27 वोल्ट होता है, और जैसे स्टार्ट करते हैं ये ड्रॉप होकर 24 वोल्ट आ जाता है। लेकिन दोस्तों 24 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, अगर 24 वोल्ट से कम है इसका मतलब आपको उसमें बैटरी वोल्टेज की ज़रूरत है, यानी कि बैटरी की उसमें दिक्कत आ रही है। अगला दोस्तों इसमें ग्रेविटी होता है, आप इसमें देख सकते हैं ग्रेविटी का भी एक पैरामीटर होता है। इस तरीके से हम लोग ग्रेविटी चेक करते हैं। ग्रेविटी में क्या करते हैं दोस्तों, ग्रेविटी मीटर होता है, आप देख सकते हैं इसको अंदर डाल के इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। और ग्रेविटी जो होती है हमारी दोस्तों वो 1250 से लेकर 1300 के बीच में होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हमारा अभी जो है 1250 और 1300 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है इसका मतलब हमारा बैटरी में दिक्कत आ गई है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जनरल क्लीनिनेस होता है, क्लीनिनेस मतलब जो भी हम अगर हम घूम के इसको चारों तरफ देख लेते हैं कि हमारा डीजल ऑन है, ठीक है, कूलेंट ठीक है, लुबेंट ऑयल ठीक है, उसके अलावा भी अगर हम एक बार इसको ऑन भी कर लेते हैं, ऑन करके ये देखते हैं दोस्तों इसमें कोई अबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं है, इसमें कोई आवाज़ तो ऐसी नहीं आ रही है जो अबनॉर्मल हो, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें अगर चेक कर लेते हैं तो 100% ये हमारा डीजी का ए चेक कम्प्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी हुई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद।